हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सिंधी कोकी कैसे बनाते हैं, जो चाय के साथ दही के साथ बहुत अच्छी लगती है। कुछ भी ऑप्शन ले लें आप, ये बेसन की भी बनती है और आटे से भी बनती है। तो बेसन वाली कोकी मैंने पहले ही अपलोड की है, आज बताऊंगी आटे वाली कैसे बनाते हैं। एक बाउल में ले लेंगे आटा, मैंने यहाँ 2 कप आटा लिया है। इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ कांदा, कांदे को बिल्कुल बारीक कट करके डालना है। धनिया डालेंगे बारीक काट के, 1 बाउल धनिया लिया है, 2 ओनियन, 2 कप आटा, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक काट के डालनी है वो भी, 1 चम्मच जीरा और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। 1/2 कप इसमें तेल डालेंगे, आप यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मसल मसल के इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके बाद इसमें पानी डाल के आटा गूंदेंगे। आटा चपाती से सख्त होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटा गूंदेंगे। जैसे मैंने बताया, कोकियाँ 2 टाइप की होती है, एक आटे वाली दूसरी बेसन वाली। मैंने बेसन वाली कोकी का वीडियो जो है पहले ही अपलोड किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऊपर आई बटन पे भी है। साथ में ही मीठा लोला जो बनाते हैं उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और ऊपर आई बटन पे। ये हम लोग थदड़ी में बनाते हैं, जिसे सप्तमी या सतह कहा जाता है। लोलो कोकी अच्छे से मिक्स करके कम से कम पानी का इस्तेमाल करना है और सख्त आटा गूंदना है। ये देखिए, मैंने आटा गूंद लिया है, हल्का सा से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से होना चाहिए आटा, चपाती से सख्त। एक पोर्शन ले लेंगे चपाती से, थोड़ा ज़्यादा पोर्शन लेना है। लोई बना के उसे सूखा आटा लगा लेंगे और इसे बेलेंगे। सेम वे चपाती से थोड़ा सा मोटा बेलना है इसे। साइज छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, सिर्फ इसे पतला नहीं बेलना है। देखिए इस तरह से, और इसे अभी हम लोग तवे पे सेकेंगे। उससे पहले इस पे लगाएंगे थोड़े से कट्स डायमंड शेप में, जैसे ये क्रिस्प बने। तवे को गरम कर लेंगे, आंच को मीडियम रखना है। तवा गरम हो जाएगा तो उसमें कुकी डालेंगे और उसे पकाना है। बाद में इसकी आंच धीमी कर देंगे हम लोग। इस तरह से जब देखिए, एक साइड मैंने पका लिया तो उसके बाद इसमें डालेंगे तेल, 1 से 2 चम्मच तेल डालना है और धीमी आंच पे ही दोनों साइड से सेक लेंगे जब तक इसका सुनहरी कलर आए। ये बहुत ही टेस्टी लगती है दही के साथ, चाय के साथ, पापड़ के साथ, इवन अचार के साथ। कि अच्छे से पक चुकी है, इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से ही सब कोकी बना लेंगे। सिंधी कोकी तो ये क्रिस्पी कुरकुरी कोकी जरूर बनाएं और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल हुनर मुस्कान का। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करें।